तो चलिए मेरा वीडियो शुरू करते हैं। मॉर्निंग से कहीं से भी देख रहे हैं, किस टाइम भी देख रहे हैं, पर मैं ये वीडियो हमेशा ही सुबह से स्टार्ट करती हूँ, सुबह 7 बजे से। तो इसलिए मैं गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ शाम को, तो 7:30 अराउंड। इसलिए मॉर्निंग टू इवनिंग ब्लॉक है ये। और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रहा है। आज मैं खाऊंगी ऑमलेट। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक टमाटर ले लिया है, एक टमेटो और ऑनियन, ये मिक्स कर दिया ग्रीन चिली के साथ, और वो मैंने खा लिया है। तो यहाँ पर ऑफिस से सुबह उठने के बाद बेड वगैरह सब कुछ सेट करना होता है, तो मैं वही कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बेड सेट कर रही हूँ। यहाँ पर सुबह का जो भी काम रहता है, ये डेली काम है तो करना ही पड़ता है। तो चलिए आप मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। आगे वीडियो में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, ये आपने छोटे से रिकैप में देख लिया होगा। सो मेरे वीडियो में बने रहिए। अभी टाइम अराउंड 9 हो रहा है, 9 बज चुका है। तो बेबी को भी स्कूल छोड़ आए हैं, तो अब मैं शुरू कर रही हूँ ये कपड़े वगैरह पूरा फोल्ड करना। कल बारिश हो रही थी पूरे दिन, पर थोड़े बहुत कपड़े सूख गए हैं, तो उसी को ही मैंने फोल्ड करके उसकी जगह पर रख दिया है। तो अब मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए स्विमिंग पूल। तो उसके लिए अब मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ, जो नेसेसरी चीज़ें होते हैं स्विमिंग के लिए, गॉगल, कैप, टॉवल, वो सब मैंने रख लिया है। तो ये मैं तैयार हो गई हूँ स्विमिंग पूल जाने के लिए। अच्छी तरह से सनस्क्रीन भी मैंने मल मल के लगा लिया है। चलिए अब स्विमिंग पूल की ओर, क्योंकि आज अच्छी तरह से धूप निकली हुई है। दिखाती हूँ मैं आपको बाहर, देखिए कितनी धूप निकली हुई है। आज सन सूरज पूरी कगार में है आपको टैन करने के लिए, तो इसलिए खुद के बचाव के लिए हमने लगा लिया है सनस्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं। ये फ्लावर को, ये फूल को हम क्या कहते हैं, पारिजात, आप क्या कहते हो आप ज़रूर बताना। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है, भीनी भीनी खुशबू। तो देखिए मौसम अच्छी तरह से खिला हुआ है, धूप अच्छी निकली हुई है। तो चलिए इसी बात पे लगा लेते हैं स्विमिंग पूल पे छलांग। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या आज स्विमिंग की। यहाँ पर ये दोनों भाई एंजॉय कर रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और बड़ा भाई छोटे भाई को देख के पूरे मज़े ले रहा है उसकी हरकतों को देख के। तो ये देखिए इनकी मस्ती और मस्ती टाइम। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ दो तरीके के चिकन बनाने की आज। तो एक तो है चिकन नगेट्स डीप फ्राई करके और कॉर्नफ्लावर देके, दूसरा उसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पर बस मैं कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर दूंगी, बस और कुछ नहीं। तो ये मैं डीप फ्राई करके निकाल लूँगी। और दूसरा मैं बना रही हूँ ये जो मैंने मसाला अभी पीसा है ओखली में, उसका वो डाल के सूखी स्टर चिकन फ्राई। और यहाँ पर है मैं चिकन नगेट्स की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए इसको तेल में डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई, जैसे कि मैंने कहा था इसको डीप फ्राई करके निकालना है। और ये चिकन नगेट्स बन गए हैं,
इसको मैंने लंबा लंबा फिंगर शेप में काटा था। और यहाँ पर पोटैटो को भी सेम कर रही हूँ और मैं इसको भी डीप फ्राई करके निकाल लेती हूँ। और इधर मेरा भिंडी की जो सूखी सब्जी होती है वो भी बन रही है, और साथ में मैंने ये जो मसाले उखली में पीसे थे उसको डाल दिया है, और जैसे वो थोड़े पक गए उसको मैंने चिकन डाल के स्टर फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर ये भी क्विक झटपट पकने वाली रेसिपी है, ये भी बन गई है। तो मैं अभी आज का लंच कर रही हूँ, बहुत भूख लगी है, दिन के 3 बज चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मिंत्रा से पार्सल ऑर्डर किया था, एक ड्रेस ऑर्डर किया था, वो भी आ चुका है, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये एक थोड़ा सा लूज लग रहा है फिटिंग वाइज, तो मुझे लगता है इसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका टैग भी नहीं निकाला। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। ड्रेस तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा लूज है। जैसे जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना प्यार और सपोर्ट मुझे प्लीज़ देते रहिएगा। थैंक यू।